गाइस, एक कीड़ा जिसे हम मकड़ी बोलते हैं, स्पाइडर, जिसको देखते ही डर तो लगता है, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये किसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। किसान के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। किसान ही क्यों, इंसान के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ये जानवर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 8 पैरों वाले एक डरावना जीव जिसे हम स्पाइडर या मकड़ी बोलते हैं, ये किसान के लिए या इंसान के लिए कैसे दोस्ती का काम करती है या लाभदायक होती है। तो दोस्तों, कम से कम इंसान को हानि पहुंचाने वाले 50 किस्म के ऐसे कीड़े हैं जिनको ये नष्ट कर देती है, उनको मार के शिकार बना लेती है, जो इंसान के लिए हानि पहुंचाते हैं शारीरिक रूप से। जिनमें से यदि मैं उदाहरण दूं दोस्तों, तो मच्छर, जो इंसान में लगभग 20 प्रकार की बीमारी पैदा कर सकता है, उसे मकड़ी बड़े आराम से चट कर जाती है। कैसे, ये जो जाड़ा लगाती है ना, जाड़ा जो लगाती है, उस जाड़े में जितने भी कीट पतंग हैं, जिसमें मच्छर भी एक होता है, जैसे ही उस जाड़े के पास जाता है, जाड़े में फंसता है, इसका एक तंत्र, सूचना तंत्र, वो जाड़ा में एक सूचना तंत्र, इसका जो जाड़ा होता है ना मकड़ी का, वो रियली आज इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल सूचना तंत्र है। कितना भी लंबा बड़ा जाड़ा हो, देखो इसका छोटा सा बच्चा इसके पास भी है, जैसे उसको कहीं से भी एक छोटा सा कीड़ा भी टच करेगा, तो इसको एक सेकंड के 100वें हिस्से से भी जल्दी टाइम पर इसके पास सूचना चली जाती है, और ये तुरंत वहां आके उसको चारों तरफ से मकड़ी को, सूचना पड़ने पर उस कीड़े को बिल्कुल कैच कर लेती है, अपना जो एक डंक निकालती है, इसमें दो, इसके मुंह के ऊपर दो हैं डंक, देखो मैं इसको उल्टा करने की कोशिश करता हूँ, तो उनसे फिर उसके अंदर डालती है, और मच्छर जैसे इंसान का खून पीता है ना, ऐसे ये इंसान का दोस्त बन जाती है और उस मच्छर का खून पी जाती है, जिसमें से कॉकरोच भी एक है, जिसमें से मक्खियाँ भी हैं। ये दोस्तों सारे इंसान के लिए बीमारी फैलाने के काम करती हैं, वो सारे के सारे चीज़ों को ये चट कर जाती है, जिसमें कीट पतंगे वगैरह जो इस किसान के लिए खेतों में फसल के लिए बहुत हानिकारक हैं, उन सब को ये अपने एक जाड़े में फंसाती है और उनको मार देती है। लेकिन ये इंसान या किसान के लिए बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाती दोस्तों। हाँ, एक ही चीज़ से बचना होता है, और वो है खाने में, अगर ये गिर जाती है तो बहुत हानिकारक होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।